Hello students, welcome to Eloquent English Classes and this is your Jyoti ma'am. Students, today we are going to learn the second last poem of Flamingo book for class 12. And the title of the poem is A Roadside Stand by Robert Frost. We have already done some of the portion in my previous video. Today we are going to complete the rest of the portion. So let's get started. पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम बहुत एक गरीब फैमिली ने रोड साइड स्टैंड लगाया है और वो वेट कर रहे हैं जो गाड़ियों में जा रहे हैं उनका कि वो रुकेंगे और उनसे कुछ सामान खरीदेंगे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज रुको और हमसे कुछ सामान खरीदो वो कोई भीख नहीं मांग रहे थे वो अपनी चीजें बेच के उसके बदले में कुछ कैश चाहिए उन्हें ताकि वो भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ अगर लोग रुकते थे या उनकी तरफ देखते थे तो ये सिर्फ कंप्लेन करने के लिए कि उन्होंने सीनिक ब्यूटी जो है वो खराब करती है और नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन जो है वो गलत तरीके से उन्होंने पॉइंट किए हैं तो पॉइंट बहुत दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा दुख तो पॉइंट को इस बात का होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये होना ही नहीं चाहिए और अगर होना ही नहीं चाहिए तो बोलो कहां से कमाएंगे और क्या खाएंगे और क्या करेंगे तो ये बहुत पिंच करता है को। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से पॉलिटिशियंस उनको जो है वो फॉल्स प्रमिसेस के सहारे उन्हें ये कहते हैं कि तुम आ, स्टोर के नजदीक या थिएटर के नजदीक में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनके एक्चुअली उनकी वो लैंड जो है वो आ, लेना चाहते हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके जो पूरा करना चाहते हैं उनको इन, आ, जो रूरल पीपल हैं जो पुअर पीपल हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है उन्हें तो सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट हैं अपने जो फायदे हैं वो देखने हैं तो ये सब हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिया अब इस पार्ट में हम देखते हैं था सो मच चाइल्डिंग इन मे तो पोइट uh, कहते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट कैन हार्डली बियर बियर ऑफ द टॉलरेट करना सहन करना कि मुझसे ये सहन नहीं होता कि किस तरह बच्चों की तरह वो बेचारे वेट कर रहे हैं किसका वेट कर रहे हैं ये जो ट्रैफिक में जो रिच पीपल जा रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं कि रुकेंगे वो और हमसे कुछ खरीदेंगे चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन चाइल्डिश लॉन्गिंग होता है जैसे बच्चा उम्मीद रखता है ना कि उसको कुछ मिलेगा बट चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन वैन होता है व्यर्थ तो उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है जैसे बच्चों की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि उनको कुछ मिलेगा तो जो ये हैं जो ये पुअर पीपल हैं उनकी भी ये डिजायर है कि उनको भी आ, कुछ कैश मिलेगा उनकी चीजें लोग खरीदेंगे और उन्हें कुछ मिलेगा लेकिन ये बिल्कुल व्यर्थ है फ्यूटाइल है यूजलेस अश है उनकी क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा द सैडनेस डेट लर्कस नियर द ओपन विंडो देअ

और क्या वेट करते हैं ऐसा लगता है जैसे वो प्रे कर रहे भगवान गाड़ी रुक जाए कोई गाड़ी रुक जाए और हमसे कोई सामान खरीद ले फॉर द ब्रेक्स इस चीज का प्रे करते हैं लॉन्ग एंड हाई पेस्ट साउंड ओके जैसे गाड़ी ब्रेक लगाओ तो, तो जोर से आवाज आती है ना तो इस तरह से वो वेट कर रहे है कि कोई ब्रेक लगाएगा यहाँ पे जोर से ब्रेक लगाएगा और हमसे कुछ खरीदेगा द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल दाउजेंड सेल्फिश कार सेट पास कितने थाउजेंड कार्स वहां से क्रॉस कर जाते हैं। Just want to inquire what a farmer's prices are. कोई रुकता एक तो ये पूछता है कि भी आजकल क्या क्या prices चल रहे हैं। And one did stop. कितने एक रुका और उसने क्या किया?

मिट्टी को ऊपर मतलब जैसे आप गाड़ी पीछे जाती है या आगे जाती है तो क्या होता है कि वो अगर घास के ऊपर चले तो वो मिट्टी जो है वो उखाड़ देती है तो वो करने के लिए कहते घास खराब करने के लिए रुका और अपनी गाड़ी टर्न की यू टर्न लिया और चला और एक और रुका तो उसने क्या किया वो आया और ये पूछने के लिए कि वेयर इट वॉज पम रास्ता कहाँ को जा रहा है

और कहते कि भी हमें पेट्रोल मिल सकता है यहाँ पे पोइट को बहुत गुस्सा है इज इरिटेटेड उसने उन्हें कहा कि क्या इनको नजर नहीं आता कि वो पेट्रोल बेच रहे हैं कोई गैस बेच रहे हैं यहाँ पे इतने पुअर लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी वो क्या गैस बेचेंगे यहाँ पे तो इट इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड वेरी मच इरिटेटेड उनके इस बिहेवियर से ओके तो लिटरेरी लिव डिवाइसेस देख लेते हैं यह पर्सोनिफिकेशन या द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द ओपन विंडो देयर ठीक है window, okay, ऐसा लग रहा है जैसे कि सैडनेस uh, जो है वो मानवीकरण किया गया है ठीक है सैडनेस का सैडनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहां पे सेल्फिश कार्स जैसे कार्स जो है वो नाउन है और सेल्फिश है डिस्क्राइबिंग वर्ड ठीक है इसको कहते है,

और पोइट बहुत दुखी है और वो कहते हैं कि नो इन कंट्री मनी कहते ये जो इनके पास पैसा है कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब जो ये एक पैमाना है वो बहुत कम है मतलब गांव के लोग बहुत कम कमा पाते हैं उनका प्रॉफिट बहुत ना के बराबर है द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड रिक्विजिट होता है रिक्वायर्ड जितना उनकी स्पिरिट को लिफ्ट करने के लिए या उनका हौसले उनके बुलंद करने के लिए जो पैसा उनके पास होना चाहिए उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो नहीं कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा गैप है उनकी कमाई में और शहर के लोगों की जो अर्निंग है उसमें और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कम्प्लेन और कहते इसीलिए वो बेचारे हमेशा कंप्लेन करते हैं और क्या कंप्लेन करते हैं कि हम तो कभी भी इस तरह की कंफर्टेबल लाइफ जो है वो लीड नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी इतना कमा ही नहीं पाएंगे आई कांट हेल्प ओन इन द ग्रेट सॉरी ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन कहते मेरा मन करता है कि मैं एक ही झटके में इनको इनके दुख से निजात दिला दूं इनको

तो कहते कि मुझे कैसा लगेगा अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं भी तुम्हारे एक ही झटके में सारे दुख खत्म कर दूं तो पोएट के मन में एक बड़ा सा एक जो उनके जो फीलिंग है वो बहुत प्योर है लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं उनको एक ही झटके में मतलब उनको खत्म करके उनके दुख को खत्म कर दूं कहते तो ये कुछ बोल तो दिया उन्होंने लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो शायद कि ये क्या बोला मैंने तो उनको लगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं अगर मुझे कोई ऐसे बोले तो कैसा लगेगा बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा लेकिन he genuinely wants to help these poor people तो so, literature-wise ये personification the voice of the country seems to complain मानवीय करण किया है अगर voice का तो ये now हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं और ये अगर आपने पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो आराम से कर लेंगे द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज अबाउट द पुअर एंड डिप्राइव पीपल हु स्ट्रगल अ लॉट टू अर्न देयर लिविंग है ना गरीब लोगों के ऊपर है डिप्राइव है वंचित लोग हैं जो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए The poem also draws a great contrast between the lives of the poor

जो पैसा मिलेगा उनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होगा अनफॉर्चुनेटली द ट्रैफिक गोज पास्ट पेइंग नो ही टू देम लेकिन ट्रैफिक जो वो जाता जाता है चला जाता है चलता रहता है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता बाई चांस दे स्टॉप दे डोंट बाई एनी थिंग फ्रॉम देम कुछ

लेकिन जो uh, अमीर लोग हैं फ्लुएंट लोग हैं उनको उनके जो रवैया है उनकी जो उदासीनता है उनके प्रति उसको देख के वो बहुत ही अपसेट और सैड pierces डिजायर टू heart. तो जो है उनका दिल पसीज जाता है ये सब देख के इनफैक्ट द रिच पीपल आर फार फ्रॉम द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ जिंदगी की जो ये कड़वे सच हैं उनसे वो बहुत दूर हैं अमीर लोग दे कैन नेवर फील द पेन एंड स्ट्रगल ऑफ ड्राउन ड्रॉर पीपल तो कहते कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो दुख दर्द जो है उनका जो स्ट्रगल है संघर्ष है ये लोग सिटी के लोग कभी नहीं समझ सकते देयर कंप्लेन्ट्स आर शैम एंड शैलो इनके कंप्लेंट सुबह से एक दिखावा है एक कुछ उसमें कोई डेफ्थ नहीं है कोई ऐसे ही कंप्लेंट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है जो जेनुअन कंप्लेंट्स है वो इन गरीब लोगों की हैं कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ या अपनी आजीविका कमाने के लिए कनिंग एंड मैनिपुलेटिव पॉलिटिशियंस रीलोकेट देम नियर द थिएटर एंड स्टोर्स फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट

जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का है ना उससे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है उसकी स्पिरिट हाई अप स्पिरिट में रहता है वो बट विलेज पीपल नेवर जो गाँव के लोग हैं वो कभी भी इतना नहीं कर सकते दे कैन नॉट कंफर्टेबल लग्जोरियस लाइफ द पोएट कॉन्टम्प्लेस ए पेन एंड बिकम्स वेरी इमोशनल पोएट जो है बहुत इमोशनल हो जाते हैं ही वॉन्ट्स टू एंड द स्ट्रगल एंड ग्रीवेंस एट वन स्ट्रॉक उसको लगता है कि मैं एक ही झटके में इनके दुख दर्द खत्म कर दूं। बट वेन ही कम्स टू सेंसेस ही फाइंड इट अ फ्यूटाइल एक्ट क्योंकि जब उन्हें होश आती है जब उन्हें समझ आता है कि वो क्या सोच रहे थे तो उन्हें लगता है कि ये सब बेकार है ऐसा नहीं हो सकता दोएट पॉइंट आउट अ वाइट कैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर

जो सिटी के लोग हैं उनकी जो उदासीनता है उनकी इंडिफरेंस जो है गरीब लोगों के बारे में उसके बारे में ये पोयम में बताया गया है और जो पोएट है वो रियली really उनकी हेल्प करना चाहते हैं दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टूड प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू वेरी मच